तो दोस्तों वो टाइम आ चुका है जब आज हम हवा में उड़ने वाले हैं, यानी कि आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो ना हमने कभी सोची होगी और ना कभी देखी होगी, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में। यानी कि मैं पहली बार ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं एयरक्राफ्ट के बारे में, यो भी मिलिट्री ग्रेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये कहाँ बनने वाला है, ये फर्स्ट टाइम इन मेड इन इंडिया में बनने वाला है, यानी कि टाटा के साथ मिलकर ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने वाला है। और अभी तक काफ़ी सारी बाहर की कंट्रीज़ में इसको बनाया जाता था, पर अब पहली बार C-295 एयरक्राफ्ट को इंडिया में बनाया जाएगा, वो भी गुजरात स्टेट में और वो भी हमारे शहर में। यानी कि अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी और एक और व्यक्ति थे जो हमारे वडोदरा में आए थे, और जो हरणी में जो एरोस्पेस और एयर ट्रांसपोर्टेशन का जो सारा कुछ माहौल और एरिया है, वहाँ पे एक और न्यू चीज़ को ऐड ऑन किया गया है, टाटा प्लेन, यानी कि टाटा के जो मैन्युफैक्चरर है जो इस 295 को यहाँ पे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका एक प्लांट को डेवलप और इसको यहाँ पे स्टील किया गया है, यानी कि यहाँ पे अब बनने वाला है C-295 एयरक्राफ्ट। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। पर आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसमें कौन से पैरामीटर्स है, इसके डायमेंशन कौन से है, ये कितने इंजन के साथ चलता है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, इसकी वेट रेंज कितनी है, इसकी टॉप मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ये लैंडिंग और टेक ऑफ में कितना टाइम और कितनी मीटर में टेक ऑफ करता है और कितने मीटर के अंदर ये ले डाउन करता है, और इसका पहला वर्जन कब बनाया गया था, ये अब कौन सी तारीख से और कौन से डेट या कौन से ईयर में ये स्टार्टिंग होने वाला है इंडिया में मैन्युफैक्चर होना, और इससे पहले कौन सी कंट्री ने इसको यूज़ किया है और कौन सी कंट्री में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, और अभी तक कौन सी देश की मिलिट्री इस C-295 एयरक्राफ्ट को यूज़ करती थी और अभी भी कर रही है, और कौन सी आने वाले देश आने वाले टाइम में इसको यूज़ करने वाले हैं, और इसके काफ़ी सारे ऐसे भी पैरामीटर्स हैं जो आप जान के वाकई में हैरान हो जाओगे। इसमें पैसेंजर्स की कैपेसिटी कितनी है और इसका मेन पर्पस क्या है, तो वो सारी चीज़ें आज जानेंगे आज के वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग हम इसके पर्पस से करते हैं, यानी कि C-295 एयरक्राफ्ट को किस पर्पस में लिया जाएगा। तो बेसिकली इसका पर्पस ही यही है कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि मिलिट्री के पर्पस के रिलेटेड कितनी भी जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, जो सामान इधर से उधर और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है, तो ये सारी चीज़ें ये कर सकता है। फिर इसके मैन्युफैक्चर पे आ जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम मेड इन इंडिया में इसको कौन सी कंपनी बिल्ड करने वाली है, तो टाटा एडवांस सिस्टम, यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम इसको एक लॉन्च किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन अभी कुछ दिन पहले वडोदरा सिटी में किया गया था, जो हरणी एयरपोर्ट पर किया गया था, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर बिल्ड होने वाली है। और इसके प्राइमरी यूज़र्स है इजिप्शियन एयरफोर्स, पुलिस एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स। तो ये सारी एयरफोर्स, मिलिट्री एयरफोर्स अभी तक यूज़ कर रही है, और अब इंडिया भी काफ़ी सालों से यूज़ कर रही थी, पर अब C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बाय इंडिया होने वाला है। और इसका फर्स्ट मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1997 में किया गया था, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्टिंग भी 1997 में 28 नवंबर को हुई थी। फिर इसके आ जाते हैं C-295 एयरक्राफ्ट की प्राइस पे, यानी कि जो आप इंडिया के बाहर इसको खरीदने जाओगे तो आपको ये पड़ेगी $53 मिलियन, यानी कि $53 मिलियन में आप इंडिया के बाहर लेने जाओगे तो आपको पड़ेगी, और जो इंडिया ने खरीदी है जिस प्राइस पे, तो उसकी प्राइस है 21935, यानी कि 21935 करोड़, यानी कि 21 करोड़ 935 लाख। भाई साहब, इतने में कितने सारे घर आ सकते हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ आ सकती है, और इस पैसों से देश में कैसी कैसी और कितनी सारी चीज़ें बिल्ड हो सकती है और कितने लोगों की मदद हो सकती है। तो ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की प्राइस है 21 करोड़ 935 लाख रुपीस। तो फिर आ जाते हैं इसके सिंगल इंजन के ऊपर, तो ये सिंगल इंजन पे 13,500 फीट तक उड़ सकता है, और ये दोनों इंजन के साथ उड़ेगा, तो इसकी हाइट 30,000
फीट तक जा सकती है। और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ एंड लैंडिंग स्पीड और वेट है, जो जितने वेट के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, वो 20 से 23,000 केजी के अंडर आती है, यानी कि 23 टन तक आप इसका वेट टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसकी मैक्सिमम रेंज ऑफ स्पीड 1790 किलोमीटर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि इंडिया ने C295 एयरक्राफ्ट्स कितने मंगवाए थे स्पेन से और कितने डिलीवर हुए हैं। तो सिर्फ स्पेन से 16 एयरक्राफ्ट्स टोटल डिलीवर्ड हुए हैं, उसमें से 40 एयरक्राफ्ट टाटा एडवांस सिस्टम यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाली है, यानी कि टोटल इंडिया ने 56 एयरक्राफ्ट्स मेड करने वाली है। और इसमें से काफ़ी सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने वाली है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वो 16 अलग है पर जो 40 यहाँ पे बनने वाले हैं वो कौन सी और कैसे तरह से बनने वाले, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कवर कर पाए तो बहुत अच्छी है। और इसमें इंडिया को आगे बढ़ने में और टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में काफ़ी मदद होने वाली है इस सारी चीज़ से। तो आगे बढ़ते हैं, तो 40R बाई यानी कि एडवांस सिस्टम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि आप एक समझो कि एक टाटा स्टील कंपनी है जो अब मैन्युफैक्चर करने वाली है C29 एयरक्राफ्ट को, तो वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें होना और यहाँ पे C29 जैसे एयरक्राफ्ट को बिल्ड करना, वो भी शॉर्ट टाइम में और काफ़ी एडवांस सिस्टम के साथ। तो फिर आ जाते हैं इसमें 71 सीट्स है, यानी कि 71 पैसेंजर्स को इसके अंदर सीट कर सकते हो और काफ़ी इसका केबिन बड़ा है। और इसके आगे हम डायमेंशन के भी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। और इसमें प्रोपेलर्स जो है, जो 2 टाइप्स के प्रोपेलर्स है जो इसमें 6 ब्लेड के साथ आते हैं, तो इसका भी डायमेंशन और काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स गो। तो अब डिस्कवर करते हैं C295 एयरक्राफ्ट्स के डायमेंशन के बारे में, यानी कि मैं पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे डायमेंशन के बिना कोई भी चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। तो फटाफट से इसको कवर करते हैं कि 24.4 मीटर लॉन्ग है ये एयरक्राफ्ट, 8.66 मीटर इसकी हाइट है, 25.81 मीटर इसकी विंग स्पैन का डायमीटर है और 10.6 मीटर बैक यानी कि टेल प्लेस का विंग जो स्पेन है इसका डायमीटर है। और अब इसके कैबिनेट के ऊपर आ जाते हैं, 10.6 मीटर 2.7 मीटर इसकी लॉन्गेस्ट विड्थ है और 2.7 मैक्सिमम हाइट है, तो इसमें काफ़ी आसानी से 71 पीपल्स पैसेंजर्स की तरह रह सकते हैं और काफ़ी सारा सामान भी इसमें स्टोर हो सकता है। और इसके क्रूज़ की मैक्सिमम स्पीड के ऊपर आ जाते हैं, तो 474 किलोमीटर्स पर हावर की स्पीड से ये क्रूज़ चल सकता है हवा में। और इसको टेक ऑफ और ले डाउन के लिए कितनी रेंज का रनवे चाहता होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि टेक ऑफ के लिए इसको रनवे का मीटर डायमीटर यानी कि 6-7 मीटर चाहिए होगा और लैंडिंग के लिए 320 मीटर्स इसका रनवे चाहता होगा। पर कोई भी रनवे पर आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इसको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके स्पेसिफिक रनवे पे ही ये चल सकता है और इसके लिए जो नॉर्मल रनवे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, पर इसको भाई उड़ने के लिए काफ़ी मैक्सिमम रनवे चाहता होगा। पर इसके साइड पे बात करते हैं, पर ये सारी चीज़ें इंडिया में होना वो एक नेक्स्ट लेवल बात है, क्योंकि अभी तक तो स्पेन में या काफ़ी सारे अलग देशों में इसको बिल्ड किया जाता था, पर अब पहली बार टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा अब इस इंडिया में, यानी कि ये जो नया इंडिया है 2024, ये कुछ अलग ही है, तो इस सेंचुरी में इस प्लेन को और इस एयरक्राफ्ट को इंडिया में मेड इन करना वो बहुत 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 बड़ी बात है। तो वी आर एक्साइटेड फॉर दिस, पर मैं एक्साइटेड दोनों चीज़ के लिए हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए भी और हमारे YouTube चैनल के लिए भी, क्योंकि आप सभी है जो हमें इतना प्यार देते हो और मैं आपके प्यार की वजह से ही मैं ये सारे वीडियोस बना पाता हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले कुछ एक भाई ने मेरे को मैसेज या कमेंट की थी वीडियो के ऊपर कि आप जॉब वीडियो एडिटिंग ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो, पर मैं बोला कि आपका ही प्यार है जो मुझे इंकरेज करता है मोर मेहनत करने के लिए और काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाने के लिए और काफ़ी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और जो नई नई चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कवर करूँ और आपको इसके बारे में बताऊँ। तो आई होप सो कि आपको ये सारी जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और इसके साथ हमारे मेड इन इंडिया में और मेक इन इंडिया में काफ़ी सारी डेवलपमेंट होने वाली है, तो वी आर सो एक्साइटेड एंड
आई एम सो रियली एक्साइटेड क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे शहर के अंदर और मेरे स्टेट के अंदर हो रही है, और उससे भी बहुत बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें मेरे देश के अंदर हो रही है। तो वी आर होप कि ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली हो और हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद करें। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन सी यू डाटा, बाय बाय, लेट्स गो।